हेलो हेलो व्यूअर, हाय, अस्सलाम वालेकुम जनाब, हाजरीन और नाजरीन, आज आपकी खिदमत में मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपको कुदरत की हसीन नज़ारे दिखाने के लिए। और आजकल के दिनों में कुदरत के हसीन नज़ारों में गुम रहना चाहिए ताकि इंसान को अपनी सेहत के बारे में परेशानी ना हो। ये देखिए कुदरत के हसीन नज़ारे जनाब, ये वाइट फ्लावर की एक यानी सफ़ेद गुलाब के फूलों की एक बागीची है छोटी सी, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं और ये देखने के काबिल हैं। इनको देखने से इंसान को राहत, आंखों को ठंडक और सुकून मिलता है। इनके बारे में सोचें तो दिमाग भी फ्रेश रहता है, जहन भी फ्रेश रहता है और तबीयत के बारे में इंसान को परेशानियाँ नहीं रहती। ये देखिए सफ़ेद फूल या सफ़ेद रंग, आपको पता है अमन की निशानी है, सुकून की निशानी है। तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी बात और थोड़ा सा इनका व्यू देख लें आप। ये देखिए कैसा गुलाब है ये और कैसी प्यारी प्यारी इनकी खुशबू है, महक है और कुदरत आपको अपनी तरफ बुला रही है, अपनी तरफ खींच रही है कि देखें आप कुदरत के नज़ारों को। ये ज़रूरी है कि परेशानियों से निकलने के लिए आप कुदरत के हसीन नज़ारों में गुम हो जाए। किसी किसी वक्त ये बहुत बड़ा मुआवजा हो जाता है कि आप कुदरत के नज़ारों से अच्छी सेहत, अच्छा माइंड और हिम्मत और हौसले पा सकते हैं। जितने भी दिन मुश्किल हो आप कुदरत के हसीन नज़ारों में चले जाएं, ये हम सब के लिए बेहतर है। देखिए कैसे गुलाब हैं और कैसा व्यू है इनका, माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, बल्कि सभी इसको लाइक करते हैं। तो आप जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, पसंद करें, फॉलो करें और बस यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, जज़ाकअल्लाह इन वाइट फूलों के साथ, अल्लाह हाफिज़।